हेलो गाइस आई एम सॉरी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल टेक्निकल गुरु जी और चलिए शुरू करते हैं हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सॉरी इतने टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल पाया आगे से मैं प्रॉमिस करता हूं कि रेगुलर वीडियो आएगा हमारा आज का जो टॉपिक है फाइनल कार्ड प्रो एक्स वैसे गाइज हर किसी के पास मैक या एफ सी पी बहुत ईजीली नहीं हो सकता है लेकिन एडिट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉलेज एंड टेक्निक वैसे जिनके पास मैक या एफ सी पी नहीं है वो मैटर नहीं करता मेरे लिए उनको एडिटिंग प्रोसेस सीखने के लिए भी ये वीडियोज़ बहुत काम आएगा वैसे एक साफ़ सुथरी भाषा में मैं अगर बताऊँ कि एडिटिंग एक आर्ट है और एडिटर आर्टिस्ट है तो ये आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चीज़ें कैसे दिखेगी और कैसे बनेगी इस एपिसोड में हालांकि मैं इंटरफेस के बारे में बात करूंगा लेकिन छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो हर किसी के लिए जानना जरूरी हो जाता है तो वो भी ये वीडियो देख सकते हैं गाइस ये वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले ये वीडियो अगर आप फेसबुक में देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना अगर आप यूट्यूब में देख रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना वैसे आपके ऊपर है मेरे इस वीडियो के लिए दो तरह का ऑडियंस है जिनको ऑलरेडी एडिटिंग आती है वो अपने एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में अपग्रेड हो रहे हैं जैसे जिनको मे बी वो प्रीमियर पे थे उनको एफ़ सीखना है या जिनको एफ़ आता है उनको अपने आप को एफ अपग्रेड करना है दूसरे जो बिगिनर्स हैं मतलब जिनको नॉलेज ही नहीं एडिटिंग के बारे में तो अगर मैं बिगिनर्स के लिए ज्यादा डिटेल में वीडियो बनाऊ तो जो प्रो लोग हैं उनके लिए थोड़ी वीडियो बोरिंग या लेंदी बन सकती है वैसे गाइस प्रोफेशनली लोग एडिटिंग सीखने के लिए अपने सालों साल इन्वेस्ट कर देते हैं लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कैसे अडॉप्ट करते हैं तो अगर मैं एक वीडियोस के थ्रू आपको कुछ सिखाने की कोशिश करूं या आपको गाइड करने की कोशिश करूं ये मेरे लिए इतना ईजी टास्क नहीं कि मैं इस वीडियो को पंद्रह मिनट या बीस मिनट में कवर कर दू जाहिर सी बात है वीडियो लंबा होने वाला है तो क्यों ना गाइस इस वीडियो को आगे बढ़ाने

राइट एंड लेफ़्ट एरो की यूज कर सकते हैं बहुत ऐसे टाइम होगा जहाँ पे मैं स्लोली या ज़्यादा डिटेल में नैरेट करूँ उस टाइम में अगर आपको उस टॉपिक में नॉलेज हो तो शायद आप इस टॉपिक को फास्ट फॉरवर्ड में देखना पसंद करोगे उसके लिए आप सिर्फ डॉट यूज़ कीजिए अगर आपको रिवाइंड करना है फास्ट फॉरवर्ड में सिर्फ कॉमा यूज़ कीजिए अगर आप वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम देखना चाहते हो उसके लिए आप वीडियो को पॉज कर दीजिए पॉज करने के लिए डॉट या कॉमा यूज़ कीजिए आगे पीछे जाने के लिए फ्रेम बाय फ्रेम अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ और डिक्रीज करना है उसके लिए आप अपर एरो की एंड डाउन एरो की यूज़ कर सकते हो वैसे का एरो एरोज मोस्ट ऑफ द टाइम स्टैंडर्ड नहीं माना जाता है इसलिए नहीं माना जाता है जैसे मान लीजिए वॉल्यूम या टाइम अगर आपका हाईलाइटेड है तो फिर वो एरो की उसके लिए ही काम करता है बाई डिफॉल्ट वीडियो का अगर कैप्शन ऑन करना है कैप्शन ऑन करने के लिए आप डायरेक्टली सी प्रेस कर सकते हैं कैप्शन को बड़ा छोटा करने के लिए आप माइनस प्लस प्रेस कर सकते हैं कैप्शन का ऑपोसिटी चेंज करने के लिए आप वो प्रेस कर सकते हैं अगर आपको इन बिटवीन ये सारे चीजें आपको याद नहीं रहता तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके भी सारे शॉर्टकट्स देख सकते हैं या अगर आपको शॉर्टकट ऑन स्क्रीन चाहिए उसके लिए सिर्फ क्वेश्चन मार्क प्रेस कीजिए तो आपको ऑन स्क्रीन आ जाएगा सारे शॉर्टकट्स आप देख के फिर याद कर सकते हैं बहुत ऐसे लोग होते हैं जो थिएटर मोड पर वीडियो देखना पसंद करते हैं जैसे आपको पता ही होगा फुल स्क्रीन मोड थिएटर मोड एंड मिनी मोड आता है तीन मोड होता है यूट्यूब में बेसिकली तो अगर थिएटर मोड में आप देखना चाहते हैं उसके लिए टी प्रेस कीजिए अगर थिएटर मोड से वापस आना है फिर से टी प्रेस कर दीजिए अगर आप फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं उसके लिए एप प्रेस कीजिए फुल स्क्रीन से बाहर आने के लिए एस्केप प्रेस कीजिए अगर मिनी प्लेयर में आपको जाना है जैसे मान लीजिए आप बहुत टाइम ऐसे कुछ टॉपिक सर्च करते हैं वीडियो चलाते हो और आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो तो ठीक ठीक है मुझे लेकिन दूसरा भी देखना है तो वो वीडियो को चलते हुए दूसरे पर जाने के लिए आप आई प्रेस कीजिए तो मिनी प्लेयर आ जाएगा नीचे छोटा से प्लेयर पर आपका वो वीडियो चलेगा आप उस टॉपिक के दूसरे वीडियोस पे जा सकते जैसे पर जाना है। 50 जाने के लिए प्रेस तो छह तो प्रेस कीजिए दस परसेंट पे प्रेस कीजिए अगर वीडियो आप दोबारा स्टार्टिंग से देखना चाहते हो उसके लिए आप जीरो अगर उसी प्लेलिस्ट में आपको अगला वीडियो देखना है आप सिर्फ एंड प्रेस कीजिए अगर उसके पहले वाला वीडियो देखना है सिर्फ

चेंज भी कर सकते हैं तो आज हम बात करेंगे इसी इंटरफेस के बारे में सबसे पहले सबसे ऊपर मेनू बार आता है जहां पे आपको सारे मेनू ऑप्शंस मिल जाएंगे आने वाले वीडियोस में मेनू एंड ऑप्शंस के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे फिलहाल हम टूल्स एंड इंटरफेस पे फोकस करते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे जो एरिया है उसको हम कहते हैं साइड बार जहां पे हम लाइब्रेरीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं फोटो वीडियो टाइटल्स एंड जनरेटर्स एक्सेस कर सकते हैं उसके बाद आता है नेक्स्ट विंडो जिसको हम कहते हैं ब्राउजर यहाँ पे आप सारे इम्पोर्टेंट फुटेजेस वीडियोस, इमेजेस, ऑडियो फाइल ब्राउज कर सकते हैं एंड अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से आप स्कीम करके अपने फेवरेट शॉट्स या उस शॉट्स का कोई भी फेवरेट पार्ट अपने प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट कर सकते हो अगला विंडो जिसको हम कहते हैं व्यूअर या प्रीव्यू विंडो जहां पर आपको प्लेबैक प्रीव्यू एंड ब्राउजर के प्रीव्यू देखने मिलते हैं नेक्स्ट विंडो जिसको हम कहते हैं इंस्पेक्टर जहां पर क्लिप्स के सारे सेटिंग्स जैसे इमेज साइज क्रॉप दिस्टॉट रोटेशन स्टेबिलाइजेशन, वीडियो फिल्टर्स एंड इफेक्ट के सारे सेटिंग चेंज कर सकते हैं इंस्पेक्टर विंडो में अगला टैब जिसको हम कलर इंस्पेक्टर बोलते हैं किसी भी क्लिप में कलर करेक्शन करने के लिए आप क्लिप सिलेक्ट करने के बाद कलर इंस्पेक्टर पर जाके अपने ज़रूरत के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं कमेंट करके बताना अगर कलर करेक्शन के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे इंस्पेक्टर विंडो में अगला टैब जिसको हम ऑडियो इंस्पेक्टर कहते हैं अगर आप किसी भी क्लिप का ऑडियो इफेक्ट्स वॉइस या बैकग्राउंड म्यूजिक में कोई चेंजेस करना चाहते हो उसके लिए आप वो वॉइस क्लिप सिलेक्ट कीजिए जिसपे आपको चेंजेस चाहिए उसके बाद ऑडियो इंस्पेक्टर में जाके अपने ज़रूरत के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं अगला टैब जिसको हम इन्फो इंस्पेक्टर बोलते हैं यहाँ पे आप हाइलाइटेड एंड सिलेक्टेड एरियाज का इंफॉर्मेशन देख सकते हो एंड मॉडिफाई कर सकते हो जैसे क्लिप नेम ड्यूरेशन वीडियो रोल इवेंट डिटेल्स प्रोजेक्ट डिटेल्स लाइब्रेरी डिटेल्स एट्सट्रा ये तो हो गए ऑडियो एंड वीडियो रिलेटेड इंस्पेक्टर अगर आप कोई टाइटल ऐड करते हो आपको दो नए और इंस्पेक्टर टैब मिलेंगे नंबर वन टाइटल इंस्पेक्टर जहाँ पे आप टाइटल साइज टाइटल ट्रांजिशंस, ट्रांजिशंस टाइप, टाइमिंग एट्सट्रा चेंज कर सकते हो दूसरा जिसको हम टेक्स्ट इंस्पेक्टर बोलते हैं जहाँ पे आप टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट साइज फॉन्ट्स अलाइनमेंट पोजिशन शेडो एट्सट्रा चेंज कर सकते हो अब आते हैं एफ के सबसे नीचे वाला विंडो जिसको हम कहते हैं टाइम लाइन जहाँ पर हम क्लिप्स एड करके एंड अरेंज करके अपना प्रोजेक्ट एडिट करेंगे इस पोर्शन को हम कहते हैं मैग्नेटिक टाइमलाइन या स्टोरी लाइन जहाँ पर हम मल्टीपल शॉट्स अरेंज करके अपनी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं एफ सी पी टेन का टाइमलाइन दूसरे सॉफ्टवेयर से थोड़ा अलग है ये एक मैग्नेट या ग्लू के तरह काम करता है इसीलिए हम इसको मैग्नेटिक टाइमलाइन कहते हैं यह बेसिकली फर्स्ट एंड फॉरवर्ड कट्स के लिए बना है अपकमिंग वीडियोस में एफसीपी टेन के टाइमलाइन के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे अब बात करते हैं टूल्स के बारे में जैसे हर काम के लिए अपने अपने टूल्स होते हैं वैसे ही एडिट्स के लिए भी कुछ खास टूल्स होते हैं वैसे मोस्ट ऑफ द टूल्स कॉमन होते हैं बाकी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के तरह बाई डिफॉल्ट यहाँ पे एरो की एक्टिवेटेड होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरोकी से एरो जिसको हम सिलेक्शन टूल्स कहते हैं ये क्लिप्स या कट्स को सिलेक्ट एंड ड्रैग करने के लिए यूज होता है अगर आप कोई भी क्लिप्स मूव या ड्रैग करना चाहते हो सिंपली प्रेस कीजिए ए जिससे आपका एरो की एक्टिव हो जाएगा एंड देन आप क्लिप सिलेक्ट करके अपने अपने जरूरत के हिसाब से मूव कर सकते हो जब एरो की एक्टिवेटेड होता है आप क्लिप्स के बिगिनिंग एंड एंड भी ट्रीम या एक्सटेंड कर सकते हो इसके लिए आपको एरो की क्लिप्स के बिगिनिंग या एंड पे ले जाना है जैसे ही आप एंड या बिगिनिंग पे ले जाओगे आपको एक येलो लाइन हाईलाइटेड दिखेगा अगर आपको ट्रीम करना है तो अंदर की तरफ ड्रैग कीजिए अगर आपको एक्सटेंड करना है सिंपली बाहर के तरफ अब चलते हैं नेक्स्ट टूल के तरफ जिसको हम कहते हैं ट्रीम टूल टूल्स आप टूल्स मेनू टैब में जाकर मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हो या शॉर्टकट्स यूज करके टूल्स चेंज कर सकते हो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप शॉर्टकट्स याद रखिए शॉर्टकट्स मोस्टली टूल्स का पहला अल्फाबेट होता है एंड ये हर टूल के बाजू में मेन्श होता है बात करते हैं ट्रेम टूल्स की यह मोस्टली दो क्लिप्स के बीच में ट्रिमिंग के लिए यूज होता है बट इससे आप क्लिप्स के बिगिनिंग एंड एंड भी ट्रिम कर सकते हो इसकी एक खास यूज ये भी है क्लिप्स को टाइम से बिना मूव किए आप क्लिप्स के इनसाइड फ्रेम्स मूव कर सकते हो इससे आपका कर्ज का ड्यूरेशन एंड पोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आते हैं इसीलिए मैग्नेटिक टाइमलाइन में ये एक खास टूल है अगला टूल जिसको हम पोजिशन टूल बोलते हैं शॉर्टकट पी अगर आप कोई भी टूल्स टेम्प्ररी एक्टिव करना चाहते हो उसके लिए कीबोर्ड में जो आपका शॉर्टकट है उसको प्रेस एंड होल्ड कीजिए तो आपका टूल टेम्पररी एक्टिव हो जाएगा जैसे आप उसकी को रिलीज करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका प्रीवियस टूल था वो एक्टिव हो जाएगा पोजिशन टूल आपको क्लिप्स किसी भी पोजिशन में मूव या रिप्लेस करने में मदद करता है एंड आप पोजिशन टूल्स यूज करके बिगिनिंग एंड एंड भी ट्रिम कर सकते हो इसके पहले हमने एरो टूल देखा जो सिमिलर है पोजिशन टूल के तरह दोनों टूल्स ऑलमोस्ट सेम काम के लिए यूज होता है तो डिफरेंस क्या है जैसे मैंने पहले मेंशन किया है एफ सी पी टेन का टाइमलाइन मैग्नेटिक है जब हम एरो टूल यूज करके मूव करते हैं तो टाइमलाइन उस एम गैप को फिल करने के लिए भी मूव करता है इससे आपका फाइनल एडिट का टाइमिंग एंड पोजिशन भी चेंज हो जाता है वीडियो आउट ऑफ सिंक भी हो सकता है सेम अगर आप पोजिशन टूल यूज करके करते हो पोजिशन तो टूल्स उस जगह पे गैप क्रिएट करता है जिससे आपका टाइम लाइन ड्यूरेशन एंड क्लिप्स पोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आता है तो आपका टाइम लाइन आउट ऑफ सिंक नहीं होता है जब हम एरो की यूज करके ट्रीम करते हैं तो साथ ही साथ टाइम लाइन भी ट्रीम होता है क्योंकि मैग्नेटिक टाइम लाइन पर हर शॉट्स एक दूसरे से हमेशा चिपका हुआ रहता है तो इससे भी सेम प्रॉब्लम रिपीट होता है अगर हम पोजिशन टूल्स यूज करके ट्रिम करते हैं तो पोजिशन टूल्स उस ट्रिमिंग एरियाज़ पे गैप या एम टी फ्रेम से भर देता है तो इससे आपका टाइम लाइन ड्यूरेशन एंड क्लिप्स पोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आते हैं नंबर थ्री जब हम एरो की यूज़ करके मूव करते हैं तो क्लिप्स सिर्फ अपनी पोजिशन चेंज करता है या दूसरे लेयर के ऊपर एज वीडियो लेयर प्लेस करता है एरो की दूसरे क्लिप्स के ऊपर ओवर नहीं कर सकता है लेकिन पोजिशन टूल्स यूज करके आप शॉर्ट्स को कहीं भी पोजिशन कर सकते हो बढ़ते हैं हमारा अगला टूल्स के तरफ शॉर्टकट आर अगर आपको पूरा क्लिप्स नहीं क्लिप्स का कोई पोर्शन सिलेक्ट करना है तो आप रेंज टूल यूज कर सकते हो इससे आप टाइम लाइन या ब्राउजर दोनों ही जगहों की क्लिप्स के पोर्शन सिलेक्ट कर सकते हो आप जब रेंज सिलेक्शन करते हो आपको एक इन एंड आउट पॉइंट मिलेगा रेंज सिलेक्शन करने के बाद आप इन एंड आउट पॉइंट को भी चेंज कर सकते हो रेंज सिलेक्शन यूज़ करके आप मल्टीपल एरियाज के क्लिप्स डिलीट मॉडिफाई, रेटिंग एंड कीवर्ड ऐड कर सकते हो आप इन और आउट सिलेक्ट करके भी रेंज सिलेक्ट कर सकते हो रेंज जहाँ से स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं इन पॉइंट तो इन पॉइंट क्रिएट करने के लिए आप जहां से आपको रेंज स्टार्ट करना है या जहां पे आपको इन पॉइंट चाहिए वहां पे आई प्रेस कीजिए आई प्रेस करने के बाद आपका इन पॉइंट एक्टिव हो जाएगा बाई डिफॉल्ट उस क्लिप का एंड पार्ट आउट बन के आएगा अगर रेंज का आउट पोर्शन आपको कहीं और करना है आप प्ले हेड को वहां पे लेके जाके वो प्रेस कीजिए वो मीन्स आउट पॉइंट तो आपका रेंज सिलेक्शंस हो जाएगा अब बात करते हैं एडिट के सबसे इंपॉर्टेंट टूल के बारे में जिसको हम कहते हैं ब्लेड टूल शॉर्टकट बी ब्लेड टूल क्लिप्स को स्प्लिट्स या कट करने के लिए यूज़ होता है ब्लेड टूल एक्टिव करने के बाद आपको किसी भी क्लिप के किसी भी जगह पे कट करना हो तो वहाँ पे लेके जाके आपको क्लिक करना है बीच में डॉटेड लाइन बताता है शॉट स्प्लिट हो चुका है लेकिन फ्रेम्स के बीच कोई चेंजेस नहीं आई है डिलीट करने के लिए आप की से सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस कीजिए सिलेक्टेड क्लिप डिलीट हो जाएगा आप बिना ब्लेड टूल एक्टिव किए भी शॉर्ट स्प्लिट कर सकते हो उसके लिए जिस जगह पे आपको कट करना है वहाँ पे प्ले हेड ले जाकर शॉर्टकट कमांड प्लस बी प्रेस कीजिए तो उस जगह पे कट हो जाएगा अगर आपको सारे क्लिप्स एक साथ कट करने हैं तो आप ब्लेड टूल एक्टिव करने के बाद जिस जगह पे आपको कट्स चाहिए वहाँ पे आपका प्ले हेड ले जाने के बाद स्विफ्ट क्लिक प्रेस कीजिए तो सारे क्लिप्स एक साथ कट हो जाएंगे अगर आप शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कीजिए कमांड शिफ्ट बी डिलीट करने के लिए सारे क्लिप्स सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस कीजिए हमारा अगला टूल जिसको हम कहते हैं जूम टूल शॉर्टकट जेड अगर आप टाइम लाइन जूम करना चाहते हो तो ज़ूम टूल एक्टिव करने के बाद जिस पोर्शन में आपको ज़ूम करना है तो वहाँ पे क्लिक या ड्रैग कीजिए जूम आउट के लिए ऑप्शन एंड क्लिक प्रेस कीजिए एक साथ आप सिर्फ शॉर्टकट्स यूज करके भी जूम इन एंड ज़ूम आउट कर सकते हो उसके लिए कमांड प्लस एंड कमांड माइनस यूज कीजिए आप टाइमलाइन अपीरियंस टैब में जाकर भी टाइमलाइन के सारे व्यूइंग ऑप्शंस जैसे टाइमलाइन का साइज थंबनेल साइज टाइमलाइन व्यूइंग ऑप्शंस, ऑडियो वेव फ्रॉम वीडियो टाइटल एंगल एट्सट्रा चेंज कर सकते हैं अगला टूल जो सबसे कम यूज होता है जिसको हम हैंड टूल बोलते हैं शॉर्टकट एच अगर आपके पास मैजिक माउस नहीं है या आपका स्क्रॉल नहीं काम कर रहा है तो आप हैंड टूल एक्टिव करके आप टाइमलाइन को फ्रीली मूव कर सकते हो अब बात करते हैं इफेक्ट्स के बारे में इफेक्ट्स के लिए आप इफेक्ट्स ब्राउजर के ऊपर क्लिक कीजिए तो आपके सामने सारे ऑडियो एंड वीडियो रिलेटेड इफेक्ट्स आ जाएंगे इफेक्ट्स अप्लाई करने के लिए अपने पसंद का इफेक्ट सिलेक्ट करके क्लिप के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए इंस्पेक्टर में जाके एफेक्ट्स के सारे सेटिंग चेंज कर सकते हैं अगला टैब ट्रांजिशन टैब ट्रांजिशन बेसिकली एक शॉट को दूसरे शॉट से स्मूथली कनेक्ट करने में हेल्प करता है इसके लिए आप ट्रांजिशन ब्राउजर में जाके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रांजिशन सिलेक्ट करके दो क्लिप्स के बीच में ड्रॉप कीजिए तो ट्रांजिशन अप्लाई हो जाएगा अगर कोई चेंजेस करना हो तो आप उस ट्रांजिशन को सिलेक्ट करके इंस्पेक्टर में जाके चेंजेस कर सकते हो उम्मीद करता हूँ मेरा यह कोशिश आपको अच्छा लगा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि पंद्रह मिनट के सेशन में सारे चीज़ें हम क्लियर नहीं कर सकते हैं, तो अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरा नीचे व्हाट्सअप नंबर है आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम है आप उसके बारे में पूछ सकते हैं मैं आपको कोशिश करूंगा कि एक लाइव सेशन्स के थ्रू जितने भी लोगों की प्रॉब्लम है उसको मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूँ शायद आप लोगों की जो प्रॉब्लम है उस लाइव सेशन्स के थ्रू आपका क्लियर हो जाए तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में